हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि संगीतज्ञ, उसके बाद लिखा है पुरुष और महिला, इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे आठ का संबंध लिखा है 24, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क और यहां पर 32 है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे वर्षा मापी का संबंध वर्षा है, तो उसी प्रकार से सिस्मोग्राफ का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया, टोटल 16 प्रश्न है जो अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, जो एजेंसियां अभी कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 251 है दोस्तों, जिसने पार्ट 250 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, ओएमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा है वर्षा मापी का संबंध वर्षा है, तो उसी प्रकार से सिस्मोग्राफ का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिये वहां पर क्या आएगा तरीका देखिए, तो देखिए जिस प्रकार से दिया गया दोस्तों, यानी वर्षा मापी का संबंध वर्षा है, यानी कि वर्षा मापी से हम लोग क्या मापते हैं दोस्तों, वर्षा, उसी प्रकार से सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है वहां पर। तो क्या मापा जाएगा दोस्तों, भूकंप, यानी कि हम लोगों का सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है दोस्तों, भूकंप। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, बस तरीका को समझ लेना है। जिस प्रकार से देखिए वर्षा मापी से हम लोग क्या मापते हैं, यानी वर्षा को मापते हैं, तो उसी प्रकार से सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं दोस्तों, जो भूकंप आता है, तो भूकंप को किससे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न कई बार रिपीट कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। सबसे पहले आप सीरीज को देखिए कि सीरीज हम लोगों का कैसे चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 9 है, उसके बाद देखिए जैसे जैसे कहा है 19 है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 39, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है यहाँ पर देखिए 79, बस उसी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। पहले आप सीरीज को देखिए, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है, सीरीज कैसे चल रहा है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए दोस्तों, देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि 9 से यदि 19 पे जाएंगे तो उसने क्या दोस्तों, और कैसे सीरीज का आंसर होगा, इधर के उसने क्या किया है, गुना 2 कर दिया है, यानी कि 9 दुना 18 प्लस क्या दोस्तों 1 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए 19 से यदि 39 पे जाएंगे तो गुना 2 कर देंगे प्लस क्या दोस्तों 1, 19 दुना 38 और 1 क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहां से यहां पर जाएंगे दोस्तों, 39 में गुना 2 प्लस 1 कर देंगे तो 39 दुना क्या होता है 78, 78 में 1 जोड़ देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 79। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क के जगह क्या रखेंगे, जो कि हम लोगों का यहां पर हो जाएगा कि गुना 2 प्लस क्या करना है दोस्तों 1 करना है। तो आप सोच के देखिए कि आखिर यहां पर क्या रखेंगे।
यहाँ पर यदि हम लोग चार रख देते हैं दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह चार दुना आठ और प्लस वन क्या हो जाएगा दोस्तों, नौ, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हम लोगों का, चार आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए, तो कैसे करेंगे श्रृंखला वाले, बस सीरीज को आपको ध्यान में देखना है कि सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है, कैसे चल रहा है, तो उस तरीके से यहाँ पर लॉजिक आपको लगाना होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, कई बार एग्जाम इस तरीके के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जैसे यहां पर देखिए लिखा है संगीतज्ञ, उसके बाद पुरुष और महिला, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल आपको बता दें। यहां पर सबसे पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए तरीका कि यहां पर लिख लेंगे दोस्तों हम लोगों का क्या लिख लेंगे, ये देखिए संगीत, यहां पर क्या लिख लेंगे दोस्तों संगीतज्ञ, इस जगह पर लिख लीजिए, आप देखते चलिए और वीडियो को क्या कर लीजिए पॉज करके अपने से कोशिश करते चलिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ हम लोगों का इस तरीके से संगीतक बना लिए, तो कुछ संगीतक हम लोगों का क्या हो सकता है, इधर के कुछ संगीतक हम लोगों का क्या हो जाएगा पुरुष हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, पुरुष लिख लेंगे और यहां पर इस तरीके से करके और इसमें कुछ हिस्सा इस तरीके से कर देंगे। उसी प्रकार से कुछ संगीतक हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, महिला हो सकता है, तो यहां पर क्या कर लेंगे महिला कर लेंगे और इसमें इस तरीके से। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहां पर क्या किए, यानी कुछ संगीता के हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, पुरुष हो सकता है, कुछ संगीता के हम लोगों का क्या हो सकता है, महिला हो सकता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन, जैसे यहां पर आठ का संबंध चौबीस लिखा है, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क और यहां पर बत्तीस, उस जगह पर क्या आएगा, जल्दी से आप वीडियो को पॉज कीजिए यानी रोक लीजिए वीडियो को और अपने से ट्राई कीजिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहां पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, आप जरूर ट्राई करते चलेंगे। देखिए जैसे यहां पर लिखा है आठ और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने चौबीस लिखा है, तो कैसे लिखा होगा उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा और यहाँ पर लिखा है दोस्तों बत्तीस। ये देखिए तरीका बता देते हैं कि हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। उसने क्या किया दोस्तों कि इसी में यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, मान के चले कि इस जगह पर, तो उसने क्या किया दोस्तों, अगर मान के चले बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेगा कि यहाँ पर आप गुना तीन कर दीजिए तो आठ दिया क्या हो जाएगा चौबीस हो जाएगा। तो ठीक है, अगर यहाँ पर जब गुना करने जाएंगे तीन से तो आखिर किस में करेंगे जो कि बत्तीस हो जाएगा, तो देखिए कोई ऑप्शन होगा ऐसा नहीं हो पाएगा। तो फिर यहां पर कैसे होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा, मान के चलिए कि तीन अगर वहां किए तो यहां भी तो तीन ही करना होगा, क्योंकि समानुपात क्या कहता है कि जो काम आप उधर किए यानी कि इधर का रिलेशन वही रिलेशन इधर, अगर इधर तीन से किए तो इधर भी तीन से, अगर इधर चार से इधर चार, ऐसा नहीं कि इधर तीन से कर दिया इधर चार से तो फिर क्या हो जाएगा गड़बड़, तो वैसा लॉजिक नहीं। तब फिर दूसरा लॉजिक लगाना होगा, क्या लॉजिक लगाना होगा दोस्तों, यहां पर उसने क्या किया था कि उसने इधर से चला था, यहां पर जो आठ लाया है चौबीस में ही क्या कर दिया दोस्तों, दो अगुना क्या कर दिया चार कर दिया, यानी कि आठ हो गया, ये 24 का ही दोनों अंक ले लिया। तो उसी प्रकार से यहां से दोस्तों हम लोग इधर जाएंगे तो ये 32 का दोनों अंक ले लेंगे, यानी कि तीन अगुना क्या दोस्तों दो कर देंगे, तो तीन दुना क्या हो जाएगा छह। तरीका को समझिए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा छह हो जाएगा। कैसे हुआ, यानी कि 24 में देखिए दो और चार होता है कि नहीं, 24 दो अंक से मिलके बना है ना, दो और चार से गुना कर देंगे चार दुना क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा, तो वही आठ लिखा था, यानी कि यहाँ पर इधर से पीछे से लिखा है, तो उसी प्रकार से वही दोनों अंक को गुना किया था, तो तीन गुना दो कर देंगे क्या हो जाएगा छः हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने पाँचवा नंबर क्वेश्चन दिया है, करें लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर क्या आएगा, और यहाँ पर चारों ऑप्शन है, जल्दी आप ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज यानी रोक लीजिए और अपने से बनाइए आप कैसे चलेंगे, यानी कि सबसे पहले आपका लॉजिक क्या होगा कि आप इधर से चलेंगे ऊपर ऊपर या आप फिर किधर से चल सकते हैं नीचे, बस यही दो तरीका से इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। या तो आप ये दोनों संख्या जैसे सात और पांच को क्या करेंगे छ हो जाए, तीन दो को ऐसा क्या करें एक हो जाए, नौ छ को ऐसा क्या करें, या आप किधर से चल सकते हैं इधर से, नहीं तो फिर आप किधर से चल सकते हैं दोस्तों इस साइड से, आखिर सात और तीन को ऐसा क्या करें नौ हो जाए, पांच दो को ऐसा क्या जो छ हो जाए, उसी प्रकार छ एक को ऐसा क्या करें क्वेश्चन, ऐसे सोचना हो या तो जोड़ के देखिए घटा के देखिए गुना करके देखिए या स्क्वायर करके जोड़ा हो सकता है, स्क्वायर करके घटाया होगा क्यूब करके जोड़ा होगा, तो ऐसे आपको सोचना होगा, बैठे रहने से काम नहीं बनेगा। और जिसने जिसने अभी पार्ट शुरू से नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके सारे पार्ट को आप देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं।
तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करने लगते हैं कि सर ई क्वेश्चन कहाँ दिख रहा है, वो क्वेश्चन तो आप सारे पार्ट अभी तक देख पे नहीं कर रहे हैं, तो आपको ई क्वेश्चन वो क्वेश्चन आप कैसे कमेंट कर सकते हैं, जब तक आप देखेंगे नहीं तो कैसे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उसने क्या किया देखिए इस प्रश्न का आंसर उसने क्या किया था, देखिए इधर से लिया ई दोनों अंकों को क्या कर देंगे दोस्तों जोड़ देंगे। देखिए आपको बता रहे हैं तरीका यहाँ पर हुआ क्या, सात आप प्लस क्या कर देंगे तीन जोड़ देंगे, तो सात और तीन जोड़ के अब माइनस क्या करना होगा वन करना होगा। देखिए सात तीन क्या हो जाएगा दस हो जाएगा, दस में एक घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों नौ हो जाएगा, तो वही नौ यहां पर लिखा था। तो उसी प्रकार से आप इसमें चल दीजिए दोस्तों, यानी कि ये वाला में ई दोनों संख्या को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, ई देखिए इस जगह पर यहां पर ऐसे कर लीजिए, इधर कर लेंगे ब्रैकेट में पांच आप प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का दो, अब माइनस क्या कर देंगे वन कर देंगे, तो जैसे ही करेंगे पांच दो क्या हो जाएगा सात हो जाएगा, यानी कि यहां पर सात में एक घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों छ हो जाएगा। लेकिन सात में जैसे ही एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा छ आ जाएगा, तो वही छ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क के जगह वाला निकालना है तो क्वेश्चन मार्क वाला आप कर सकते थे, देखिए ये दोनों संख्या को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे एक घटा देंगे, तो कर लीजिए। अब तो आप निसंदेह कर लेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या था सर और कैसे करेंगे, क्योंकि सारा चीज तो बता ही दिए, ब्रैकेट में ले लेंगे छ प्लस क्या दोस्तों वन कर देंगे और माइनस वन कर देंगे, छ एक क्या हो जाएगा सात हो जाएगा, सात में एक घटेगा तो क्या हो जाएगा छ हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह 6 आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं, ऊपर वाला दोनों संख्या जोड़ के उसमें एक घटा देना, तो एक कहां से आया हम तो यही नहीं समझ पा रहे, एक अपने मन से लाए, क्यों लाए क्योंकि वहां पर पुराना था 9, इस तरीके से आपको सोचना होता, अगर एक सभी में माइनस किया तो सब में करना होगा, यानी एक टो में किया तो सभी में माइनस करना ही पड़ेगा, इस तरीके से आपको सोचना होगा। कभी-कभी एक जोड़ देता है, कभी दो घटा देता है, तीन जोड़ता है, तो उस सभी में करना होगा, ऐसा नहीं कि एक टो में खाली एक घटा दिया दूसरा में दो जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा गलती, लॉजिक हर जगह क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा क्वेश्चन सही होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन यहां पर दिया गया दोस्तों, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गुना से अभिप्राय है, तो जिसका जिसका जो अभिप्राय है लिख लीजिए, यानी गुना से अभिप्राय प्लस, यानी गुना के जगह आपको क्या लेना है दोस्तों प्लस लेना, ये बात उसने बोल दिया है। उसी प्रकार से भाग के जगह आपको क्या लेने के लिए कहा है, तो भाग के जगह कह रहा है कि आप माइनस ले लीजिए, वो बात वहाँ क्वेश्चन में आपको बोला है आपने मन से नहीं, देखिए भाग के जगह माइनस, और माइनस का संबंध क्या लेने के लिए कहा है गुना लेने के लिए कहा है, तो माइनस के जगह गुना ले लेंगे, और प्लस के जगह हम लोगों के सामने क्या लेने के लिए कहा है दोस्तों भाग लेने के लिए कहा है, तो बस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो अब कर दीजिए देखिए जैसे यहां पर लिखा है 54, तो 54 लिख दिए दोस्तों, उसके बाद देखिए भाग के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो क्वेश्चन में देखिए भाग के जगह माइनस, वहां देखिए लाल कलर में लिखे हैं भाग के जगह माइनस लेने के लिए कहा, इधर हो जाएगा 16, अब माइनस के जगह के लिए कहा है गुना, इधर 3, अब गुना के जगह कहा है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या, यानी कि 16, और यहाँ पर माइनस के जगह गुना 3, और गुना के जगह लेने के लिए कहा है प्लस, इधर हो जाएगा 6, और प्लस के जगह क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने भाग, तो ठीक है यहाँ पर कर दिए। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ कहानी कथा नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए बोर्डमास रूल से। ये देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, माइनस का माइनस, इधर हो जाएगा दोस्तों 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और 6 में 2 से भागा दे देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, तो 54 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 57 हो जाएगा, 57 में जैसे ही 48 घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9 हो जाएगा। देखिए ना इधर 7 और 9, हां तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे, वहां पर साफ-साफ बोला है कि गुणा का अभिप्राय क्या है दोस्तों आप प्लस है, तो गुणा जहां दिख रहा है वहां पर क्या लेंगे प्लस लेंगे, जैसे यहां गुणा दिख रहा था तो वहां क्या ले लेंगे प्लस ले लेंगे, उसी प्रकार से भाग, लेकिन भाग के जगह क्या लेने के लिए कहा है तो माइनस लेने के लिए, तो इसी प्रकार से आप जो जो कहा यानी भाग के जगह माइनस, अभिप्राय का मतलब उसके जगह पर वो चिन्ह आपको परिवर्तन करना है, तभी इस तरीके के प्रश्न आप समझ पाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी कि इस फिगर को जब दर्पण यानी मिरर में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, यही बात आपको बताना है। ये भी प्रश्न अभी तक 2 से 3 बार सेट में मेरा रिपीट कर चुका है, क्योंकि अलग अलग बुक में देख रहे हैं कई बार इस तरीके प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं कि दर्पण में आप जानते हैं दोस्तों दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके के क्या बनता है दोस्तों पार्श्वर प्रतिबिंब बनता है, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का वर्ग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके का एक क्या बन जाएगा वर्ग, और हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं कि आप बड़ा जैसा ताकि आप समझ पाए। उसके बाद देखिए अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर अगर जो जितना दूरी पर है यानी कि गोला हम लोगों का कहाँ हो जाएगा
जाएगा, इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर शुरू में खाली भाग है, तो शुरू में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रॉस चिन्ह, तो क्रॉस चिन्ह हो जाएगा। उसी प्रकार से अब ये वाला हम लोगों को किधर से हो जाएगा दोस्तों, तो इस तरीके से हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, कई बार हम देख चुके हैं कि इस तरीके से आया है। उसके बाद देखिए एक यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद एक इधर से हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा इधर और इधर हो जाएगा, और उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से, और इसमें एक और हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए इस तरीके का कौन सा ऑप्शन में हम लोगों को दिख रहा है। ये देखिए पहले यहाँ पर क्या आ गया, क्रॉस चिन्ह, ऑप्शन नंबर ए तो हो गए। गुना क्या ऊपर जाएगा, पहले गोला का निशान है तो गोला आएगा ना, इसमें भी देखिए ये दोनों आप पहले छांट सकते हैं। और उसमें क्या क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए दो गो हम लोगों का नीचे में इस तरीके से रेखा दिया है, पैरेलल यानी कि समानांतर टाइप में, इसमें एक के गो है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। आप जानते हैं कि मिरर में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, ऐसा नहीं कि कहीं अलग जगह। अगर पहले देखिए यहां पर खाली भाग है, इस जगह पर खाली था, खाली ही रहेगा, और उसके बाद गोला और गुना का चिन्ह है, तो गोला और गुना का चिन्ह क्या हो जाएगा, उस साइड में हो जाएगा, क्योंकि जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने आठवां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या लिखा है, देखिए लिबरेट का दिया गया दोस्तों, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसका पूछा जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे। ये देखिए सबसे पहले उसको लिख लीजिए, जैसे L है तो L, उसके बाद I तो I, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, B, उसके बाद E, उसके बाद देखिए R, उसके बाद A, उसके बाद T, और क्या लिखा है E। तो इसका जो जो अंक दिया उसको लिखना होगा, तभी आपसे प्रश्न सॉल्व हो सकता है। जैसे 5 है, उसके बाद 6 है, 4 है, उसके बाद 2 है, यानी कि 4 के बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने, 2। जैसे जैसे दिया है लिख लीजिए, 4, 2, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3, उसके बाद 1, उसके बाद यहाँ पर 7 और 2। अब आपसे किसका पूछा जा रहा है कि T, उसके बाद R, I, उसके बाद हम लोगों के सामने B, उसके बाद A, और क्या लिखा है दोस्तों L, तो इसका पूछा जा रहा था, कैसे करेंगे। ये देखिए अब यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन करने लगते हैं इस प्रश्न का आंसर कैसे हुआ है। तो देखिए टी के लिए यहाँ पर प्रयोग क्या किया है दोस्तों, उसने 7, तो टी के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। उसी प्रकार से आर के लिए क्या प्रयोग क्या है, देखिए आर के लिए क्या प्रयोग क्या है, 3 किया है। उसी प्रकार से जिसका जिसका जो लिखा है, जैसे आई लिखा है तो आई के लिए यहां पर देखिए क्या लिखा है दोस्तों, 6 लिखा है, आई के लिए क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे दोस्तों, यानी कि अगर यहां पर देखिए कैसे मिट गया, देखिए एक बार फिर से लिखना होगा, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाता है यहाँ पर, हाँ सिस्टम में। देखिए जैसे L है, उसके बाद हम लोगों के सामने I है, उसके बाद हम लोगों के सामने B है, उसके बाद E लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, R, A, उसके बाद T और E, तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 5, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद हम लोगों का, अच्छा यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4, उसके बाद 2 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 3, 1, उसके बाद 7 और 2। तो अब उसके बाद लिखा है, इसका निकालना है टी, उसके बाद आर, उसके बाद आई, उसके बाद बी, उसके बाद ए, और क्या दोस्तों एल। ये देखिए ना, बस अभी आपको बताए थे, एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी होता है कि टी के लिए क्या प्रयोग क्या है, 7, तो टी के लिए क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, 7 करेंगे, तो 7 हो गया। और उसी प्रकार से आर के लिए क्या प्रयोग करना है दोस्तों, देखते चलिए कि आर के लिए क्या लिखा है, तो कहाँ मिल रहा है, आर के लिए क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 3 है, तो 7 और 3 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 7 और 3 से 1 ऑप्शन है, यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी देखिए 7, 3 से कोई ऑप्शन नहीं, अब क्या करेंगे, चेक करते चलेंगे, गधा के तरह एकदम चलते रहेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो 7, 3 से यही वाला स्टार्ट हो रहा है, तो इसी प्रश्न का हो जाएगा। उसी प्रकार से आई का चेक करना है, तो आई के लिए क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। उसी प्रकार से बी के लिए देखिए 4 हो जाएगा, तो बिल्कुल सब तो मिलते जा रहा है। उसी प्रकार से ए के लिए ए का प्रयोग क्या है, तो ए के लिए क्या हो जाएगा 1। उसी प्रकार से एल, तो एल शुरू में था 5, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब ये होता है दोस्तों कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है, 1 अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं कि तरीका सबसे पहले क्या होता है कि जैसे बढ़ई है, सुनार है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, लोहार है। तो देखिए यहाँ पर यदि देखा जाए, जैसे कि हम लोगों के सामने बढ़ई हो गया, उसके बाद लोहार हो गया, उसके बाद सुनार हो गया, तो ये सभी क्या करते हैं दोस्तों, वस्तु का हम लोगों का
निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर लिख भी देते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कंफ्यूजन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि वस्तु का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। देखिए ना कोई वस्तु का वो क्या करते हैं निर्माण करते हैं यानी बनाते हैं। सोनार का काम है यानी कि वस्तु का निर्माण करना, कोई ना कोई। उसी प्रकार से लोहार का काम देखिए वस्तु बनाता है, बढ़ई भी वही काम करता है दोस्तों, यानी वस्तु फर्नीचर वाला काम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ड्राइवर क्या हो जाएगा, सर ड्राइवर किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं करते हैं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब क्या कि दिए गए समूह में भिन्न का मतलब चार में से तीन किसी तरीके से समान है, एक अलग है, कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, तो यही वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जैसे हम लोगों के सामने दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों को तर्क संगत क्रम में नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा होगा। तर्क संगत का मतलब है दोस्तों कि सबसे पहले यहाँ पर सार्थक क्रम से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। सार्थक क्रम का मतलब होता है कि इनमें से सबसे पहले काम क्या होगा, यही बात आपको बताना है। क्या पहले महासागर होगा, बादल होगा, मानसून होगा, वर्षा होगा, नदी होगा, क्या होगा, इस तरीके से आपको सोचना होगा कि आखिर इसको किस प्रकार से क्रम में बैठा जाए। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर यदि देखा जाए तो सबसे पहले हम लोगों का क्या होना चाहिए, मानसून होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मानसून हो जाना चाहिए। जैसे ही मानसून आ जाएगा तो मानसून के बाद हम लोगों का क्या होगा, वर्षा होगा। तो यहाँ पर बैठा लीजिए दोस्तों, मानसून के बाद वर्षा हो जाएगा, मानसून के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्षा हो जाएगा। देखते चलिए कैसे कैसे करते जा रहे हैं, तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। मानसून के बाद वर्षा होगा, वर्षा के बाद फिर क्या होगा, देखिए मानसून होगा, उसके बाद वर्षा होगा, फिर हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों, इस तरीके से अगर करेंगे, देखिए मानसून वर्षा उसके बाद, यानी कि यहाँ पर यदि देखा जाए दोस्तों कि मानसून तो आया, तो मानसून के बाद हम लोगों का क्या आना चाहिए कि वर्षा, उसके बाद बादल, इस तरीके से करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे। तो देखिए तरीका, देखिए दोस्तों आप समझने का प्रयास कीजिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मानसून का क्या है, आगमन होने वाला है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, मानसून कर लेंगे। तो मानसून जैसे ही आगमन होगा, यानी कि मानसून के बाद हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, बादल, यानी कि मानसून तो आगमन हो गया, तो अब क्या बनेगा हम लोगों का, बादल बनेगा। वही बादल आगे चलकर हम लोगों का क्या करवाएगा दोस्तों, वर्षा करवाएगा। देखते चलिए कैसे करते जा रहे हैं। वर्षा होने के बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, यानी कि वर्षा जैसे होगा तो वो कहाँ जाएगा, पानी अब नदी में जाएगा, और नदी के बाद कहाँ चल जाएगा दोस्तों, हम लोगों का महासागर में चला जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर जैसे ही करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। सबसे पहले क्या होगा, देखिए मानसून का आगमन होता है, यानी मानसून आएगा तो उसमें क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। बादल के बाद क्या होगा दोस्तों, वर्षा, और वही वर्षा कहाँ जाएंगे, नदी, और नदी का सारा पानी कहाँ फिर चल जाएंगे दोस्तों, महासागर में चला जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जैसे हम लोगों के सामने दिया है, काफी इंपॉर्टेंट। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि ए बी का भाई है। तो देखिए सबसे पहले बना लीजिए, यानी कि ए जो है किसका भाई है, तो बी का भाई है। तो जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे कर दिया, और पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस लेंगे और महिला जेंडर के लिए हमेशा क्या लेंगे दोस्तों, माइनस लेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कह रहा है ए जो है बी का भाई है, यानी ए जो है बी का भाई, तो क्लियर हो चुका है कि पुरुष जेंडर है। उसी प्रकार से बी जो है हम लोगों का सी का भाई, तो इसका भी जेंडर क्लियर हो चुका है कि ई भी क्या है दोस्तों, पुरुष जेंडर। उसी प्रकार सी जो है डी का क्या है दोस्तों, पति है। यानी सी जो है हम लोगों का डी का क्या है दोस्तों, पति है। तो पति है यानी कि पुरुष जेंडर है, तो प्लस हो जाएगा। यानी ई दोनों हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। बात को समझिए, यहां पर निकल गया ई, यानी कि ई क्या है, पत्नी। डी क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पत्नी, किसका, सी का। तो उसी प्रकार से कह रहा है ए जो ई जो है ए का, अच्छा तो ई जो है दोस्तों हम लोगों का, ई जो है वो ए का क्या है दोस्तों, कह रहा है कि ई जो है ए का पिता है, तो पिता है तो पुरुष जेंडर। तो वही कह रहा है, बताइए हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, इधर रिलेशन किससे पूछा जा रहा है कि डी का ई से क्या संबंध, यानी डी का जो है ई कौन लगेगा, यानी कि ई इसमें रिलेशन पूछा जा रहा है दोस्तों, ई कौन लगेगा, इसका कौन हो जाएगा दोस्तों, पुत्र वधु हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तरीका को समझिए, आप रटिए ने साफ साफ लिखा है दोस्तों कि एकदम डायग्राम आप बना सकते थे, ई जो ए जो है बी का भाई है, यानी बी सी का भाई है, इस तरीके से दिया है। तो वही कह रहा है कि हम लोगों के सामने कि डी का ई से कहाँ से पूछा है,
जहां से लगा रहेगा वहां से यानी ई से, तो उधर से रिलेशन पूछा जा रहा है, जहां से है तो ई का ई कौन लगेगा, तो पुत्र वधु लगेगा, क्योंकि इसका बेटा का क्या हो जाएगा दोस्तों, वाइफ यानी उसका कौन लगेगा, पुत्र वधु। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन, काफी बार इस तरीके से श्रृंखला वाले आए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम में कई बार देखे जा चुके हैं। तो ये देखिए आपको बताते हैं, सबसे पहले जैसे डैश है तो डैश लगा देंगे, उसके बाद ए है, उसके बाद बी, उसके बाद डैश, उसके बाद ए, उसके बाद डैश, उसके बाद बी, उसके बाद ए, यहां पर लिखा है दोस्तों डबल बी आर डैश, उसके बाद जैसे जैसे कर रहा है दोस्तों वैसे वैसे करते चलिए। उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने डबल बी, उसके बाद ए, और यहाँ पर लिखा है डबल बी आर डैश। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, लेटर श्रृंखला यानी कि इसको काउंट करते हैं, यानी एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह। तो सत्रह है तो सत्रह को तो फिर कैसे तोड़ेंगे, तो बहुत दिक्कत है। देखिए सत्रह को हम लोग कैसे तोड़ लेते हैं दोस्तों, ऐसे तोड़ लेते हैं यानी कि यहाँ पर तीन तीन टो लेकर देख लेते हैं, जैसे तीन तीन उसी प्रकार से यहां पर कर लेते हैं, तीन उसी प्रकार से यहां पर कर लेते हैं दोस्तों, हम लोगों के सामने तीन उसी प्रकार से यहां पर कर लेते हैं तीन, और दो को एक्स्ट्रा रख लेते हैं। अब देखिए अब सीरीज बनाने का प्रयास कीजिए, मान के चलिए कि ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का एक सीरीज बन जाएगा। तो ये देखिए आप निसंदेह सीरीज को समझ गए होंगे कि यहां पर हुआ क्या। ये देखिए यहां पर बी ए बी है, यहां भी बी ए बी है, तो यहीं से पता चल चुका है दोस्तों कि हम लोगों का इस जगह पर क्या भराएगा, बी भराएगा, तो बी ए बी, उसी प्रकार से यहां पर बी ए और क्या दोस्तों बी, उसी प्रकार बी ए बी, तो यहां पर भी भर देंगे ए बी ए बी बी ए बी, उसी प्रकार से आखिरी में क्या भरेगा दोस्तों, अगर आगे और श्रृंखला रहता तो बी ए बी होता, लेकिन एक को डैश है तो वहां तक ए तक ना भरेगा, क्योंकि अपने मन से कुछ नहीं भर देंगे तो नहीं भरेंगे, तो इसीलिए बी ए तक। तो अब आपका सीरीज बन गया, देखिए बी उसके बाद बी उसके बाद बी उसके बाद ए और ए, तो कहाँ मिल रहा है दोस्तों, ट्रिपल बी उसके बाद ए, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है, इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, लेटर श्रृंखला वाले सबसे पहले आपको लेटर और डैश को काउंट कर लेना है, टोटल सत्रह है, तो सत्रह को तो हम लोग कोई किसी तरह तोड़ नहीं सकते, इसको ऐसे तोड़ लिए यानी तीन तीन टो करके, और दो हो सकता है कि तीन तीन से नहीं, कभी कभी चार चार से भी हो सकता था, ऐसा नहीं कि तीन तीन वाला फिक्स है, कोई पैटर्न यहाँ पर फिक्स नहीं, अगर तीन तीन से नहीं बनता फिर चार 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 चौक सोलह और एगो अलग कर देते, उसी प्रकार से कभी पांच पांच टो लेकर करते तो पंद्रह और तीन टो फिर छोड़ देते, ऐसे करके आपको देखना होता है, ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स है कि नहीं तीन तीन टो लगेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, तेरह नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि इसका संबंध इस तरीके से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। देखिए आपको तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल, यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, इसी तरीके से कर लेते हैं सबसे अच्छा रहेगा, जैसे ए है उसके बाद हम लोगों के सामने जेड है, उसके बाद बी है और क्या लिखा है दोस्तों वाई, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, सीधा सीधी लिख लीजिए सबसे आसान तरीका, डी उसके बाद डब्ल्यू उसके बाद ई और क्या दोस्तों भी, उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि एच उसके बाद एस उसके बाद आई और क्या दोस्तों आर, तो इसका निकालना। ये देखिए एकदम आसान तरीका, ये देखिए ए से यदि डी पे जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, तो ए से डी पे उसी प्रकार से इससे फिर इससे आई है, यानी कि आपको किस में सोचना है, ए बी सी डी की, ए से डी पे जाएंगे तो यहां पर प्लस कितना करना होगा दोस्तों, तीन करना होगा, जेड से यदि डब्ल्यू पे आएंगे तो यहां पर माइनस तीन करना होगा, देखिए ना एक बार तीन, उसी प्रकार से देखिए बी से ई पे जाएंगे तो प्लस तीन, उसी प्रकार से वाई से बी पे आएंगे तो माइनस तीन, समझ गए, एक बार प्लस तीन एक बार माइनस तीन, तो उसी प्रकार से इसमें कर दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहां पर कर दें हम कर दें, ये देखिए आप खाली देखिए, तो यहां पर हो जाएगा प्लस तीन, तो ए में जैसे ही प्लस तीन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अच्छा अच्छा यहाँ अच्छा एच है, आई देखिए हम कैसे करें, एच है, तो एच में जैसे ही प्लस तीन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा, इसके लिए माफी, यहाँ पर एच है आप देखिए ना, आप देखिए उसी प्रकार से एस में माइनस तीन कर देंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा कि एस में जैसे ही माइनस तीन कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा, उसी प्रकार से आई में प्लस तीन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, उसी प्रकार से आर में माइनस तीन कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर यदि देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, देखिए के पी एल ओ क्या हो जाएगा दोस्तों से। बस आपको तरीका समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर हम कैसे करेंगे और क्या लॉजिक लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो काम आप इधर, इसमें यही एक है कि जो काम आप इधर के यदि प्लस तीन माइनस तीन प्लस तीन माइनस तीन, तो वही काम आप इधर करेंगे, ऐसा नहीं कि इधर प्लस चार प्लस पांच कर देंगे फिर क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों चौदह नंबर क्वेश्चन की प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी कि यहां पर आपको बनाना है दोस्तों कि इस प्रश्न को कैसे हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो देखिए आकृति को पहले यदि आप समझेंगे दोस्तों तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा।
यानी कि यहाँ पर इस तरीके से होगा, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से जैसे निकाला हुआ है तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा और इधर से इस तरीके से होगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसी में किधर से होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर देखिए, अच्छा तो उसी प्रकार से इधर से फिर हो जाएगा, यानी कि हाँ यहाँ पर तो इस तरीके इसमें फिर क्या किया दोस्तों, उसने इधर से निकाल दिया और इधर से इसमें कर दिया, तो इस तरीके से देखिए ना, अभी बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न, यानी कि यहाँ से जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा, तो इस तरीके से आएगा, यानी कि ये ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। पहले आप देखिए ऊपर नीचे आकृति का आपको ध्यान में रख कर सोचना कि कौन कौन ऑप्शन, ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करने का तरीका को समझना है, तो फिर आप हड़बड़ा के गलती कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए इधर हो गया तो अब हम लोगों का ये वाला किधर से होगा, हाँ तो ये वाला किधर से होगा, देखिए अभी करने कर देते हैं यहाँ पर कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह से इधर जाएगा, उसके बाद इधर आ जाएगा, उसी प्रकार से इधर आके फिर इधर से होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर आपका बी ही क्या होगा, सही होगा। अच्छे से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करने के लिए कौन सा डिजाइन वहां पर बैठा देंगे जो पूरा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जैसे ही उठा के रख देंगे तो पूरा हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, यहां पर जैसे कहा जा रहा है हम लोगों के सामने, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन, इसके तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बता दें। भले ही आपको यहाँ पर दिखेगा कि इतना बड़ा सारा ई क्रम वाला हम तो बैठा ही नहीं सकते, हमसे धोबे ऐसे ऐसे दिमाग में सोचने लगते हैं, यही वजह से आपसे क्या होता है कि क्वेश्चन नहीं बनने लगता। आप दिमाग को स्थिर करके सोचिए कि हम कर ही लेंगे इस तरीके के प्रश्न, और कई बार इस तरीके के प्रश्न अभी आए हुए हैं। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि पांच लड़के ए बी सी डी ई एक क्या है दोस्तों हम लोगों का, यानी कि पंक्ति में बैठे हैं, और ई नहीं कह रहा है कि ऊपर देख रहा है, नीचे दिख रहा है, पूरब देख रहा है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब कुछ ना, अगर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है तो आदमी को हम लोग कहां बैठाएंगे दोस्तों, यानी कि मुंडी ऊपर की ओर करके बैठाएंगे इस तरीके से। तो यहां पर हम लोग ई साइड में क्या कर लेंगे दोस्तों, दायां कर लेंगे। हमेशा आपको अगर कुछ भी नहीं कहा कि पूरा पश्चिम उत्तर, तो हमेशा ऊपर की ओर लेकर ही चलते हैं, इधर दायां हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बायां, तो यहां पर हो गया। अब देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते, यहां पर कह रहा है ए जो है बी के क्या है दोस्तों, दाई ओर, यानी ए जो है हम लोगों का क्या पूछा है कि ए जो है यानी बी के दाई ओर, तो बी अगर हम लोगों का इस जगह बैठाएंगे दोस्तों, ये देखिए ए जो है बोला बी के दाई ओर, तो देखिए बी का दाया किधर होगा, इधर होगा, देखिए दाया किधर लिया, यानी बी का दाया किधर होगा, अगर ऊपर की ओर देख रहे हैं तो दाया हाथ किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड हो जाएगा। उसी प्रकार कह रहा है ई जो है बी के बाई ओर, यानी ई जो है दोस्तों यानी बी के क्या है बाई ओर, तो ई किधर हो जाएगा, ई साइड हो जाएगा, तभी तो बी का बाया किधर होगा, इधर, एकदम साफ साफ लिखा है। लेकिन फिर कहा का क्या कहा दोस्तों, लेकिन सी के दाएं ओर, तो सी किस जगह हो जाएगा दोस्तों, इस जगह हो जाएगा, कह रहे सी के दाएं ओर है, वहां पर साफ साफ बोला है कि ई जो है बी के बाई ओर है, तो देखिए ई जो है बी के बायां होगा, लेकिन कह रहा है सी के दाई ओर, तो सी के दाई ओर कर दिया, और कह रहा है ए जो है डी के बाई ओर, यानी ए जो है दोस्तों डी के बाई ओर, तो डी को यहां बैठाएंगे तो देखिए डी का बायां इधर हो जाएगा, तभी तो इसका दायां इधर होगा, तो बिल्कुल हम लोगों का हो गया। तो वही कह रहा है बताइए कि बाई ओर से दूसरा लड़का कौन है, तो बायां किधर है दोस्तों, जल्दी से देखिए बायां किधर है हम लोगों का, इधर है, तो ई यानी कि पहला है, ई दूसरा है, तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। बस आपको तरीका समझना है कि यहां पर सभी आदमी किधर देख रहा है, यानी कि ऊपर की ओर देख रहे हैं, जितना आदमी है सब कहां देख रहा है दोस्तों, इधर इस साइड, तभी तो आपका दायां बायां होगा, इस तरीके से आप करके देखिए ना, बिल्कुल हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही है। यहां पर क्या पूछा है, बाई ओर से, तो बाई ओर से ई ही इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें, तो विषम की पहचान कैसे करेंगे, तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। देखिए यहां पर बता देते हैं कि कभी इस तरीके से लेटर वाले लेटर वाला दिया जाए, तो हमेशा आप ऐसे पी से यदि एन पे आएंगे तो क्या करना होगा दोस्तों, माइनस दो लेटर, क्यों, क्योंकि पी में एक लेटर घटेगा, ओ ओ में एक लेटर, उसी प्रकार से एन से एल पे आएंगे तो दो लेटर, उसी प्रकार से L से J पे आएंगे दोस्तों तो माइनस दो लेटर, उसी प्रकार से देखिए भी से यदि T पे आएंगे दोस्तों तो माइनस दो लेटर, उसी प्रकार से T से R पे आएंगे तो माइनस दो लेटर, उसी प्रकार से यहाँ पर इससे आएंगे तो माइनस दो लेटर, सब में दो दो लेटर घटाए। ये देखिए J में तो किस में सोच रहे हैं, A B C D में सोच रहे हैं, और आपको कहीं नहीं सोचना है, उसी प्रकार से देखिए सब में दो दो लेटर, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जैसे ही करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या क्या किया है, तीन लेटर कर दिया, उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे दोस्तों तो माइनस दो लेटर कर दिया, और यहाँ पर क्या किया दोस्तों माइनस, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों,
तो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब में देखिए -2 -2 -2 और इसमें क्या कर दिया, -3 कर दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर लेना है, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।